सब लोगों को मजा आया। आपकी बीवी भी देखेगी, हो मेरा शोहर तो आ रहा है, शोहर नहीं पता। कद्दू था तो क्या? ये देखो इतना ही बड़ा है, देखो काफी ज्यादा बड़ा है। इसको अभी जा रहा हूँ छोड़ने, इसने देखा है सबसे पहले। और ये इसको हम कर रहे हैं खुला। भाई इतना बड़ा था, देखो अगर चूहे आपके घर में है, अगर केज में पकड़ा जाते हैं तो उनको ऐसे किसी के और के घर के बाजू में ना छोड़ो, खुली जगह में छोड़ो जहाँ कोई दूर हो, नहीं तो तकलीफ होना है दूसरों के घर में। क्योंकि हमारे घर में आया है किसी और के घर से, मतलब बाजू के वालों के घर से आया है, तो तकलीफ है। अभी का सीन ऐसा है कि घर से निकला था गरबा बैच के लिए, तो बारिश पड़ रही थी तो पहना मैंने रेनकोट पहना और बारिश हो गई बंद। जैसे ही घर से थोड़ा दूर निकला, ये मेरे साथ सीन क्यों होता है ये मेरे को बताओ आप, कि मेरे ही साथ ऐसे लफड़े होते हैं कि रेनकोट पहनता हूँ बारिश बंद। मतलब थोड़ी झिरमिर मतलब बारिश होती है तो तभी होता है, बाकी वैसे फास्ट पड़ती है तो पड़ती रहती है। तो अभी यहाँ पे तो आ गया हूँ लेकिन बारिश तो बंद है एकदम, तो ऐसे ही देखो बैठा हूँ। क्या करने का यार, बहुत गुस्सा है वैसे, लेकिन आज का दिन मेरा, आज संडे है, इवनिंग हो चुकी है, आज का दिन ऐसा घटिया गया ना। सुबह सैटरडे है आज, मतलब सुबह को बैच कैंसिल हो गई थी, उसके बाद में फिर घर पर आया, घर पर वो चूहे का सीन था, उसके लिए केज लाया, केज के अंदर उसको बाद में पकड़ा था, वाईफाई का जो केबल नया डलवाया, फिर उसके बाद में टीवी चालू करवाना था, टीवी का लफड़ा हो गया था, टीवी का सेटअप बॉक्स ट्यून नहीं, वैसे हम लोग टीवी चालू ही नहीं करवाते हैं, मतलब समझो ना कि 5-6 महीने के बाद में, क्योंकि वाईफाई है घर पर, सबको फ़ोन है तो फ़ोन में ही देखते हैं हर कुछ सब कुछ, तो इस हिसाब से बाकी तो मतलब समझो ना कि कैसा है कि फिर आज कुछ आज से कपिल शर्मा चालू होने वाला था, तो तभी हमने चालू करवाया, तो वो भी अभी तक चालू नहीं हुआ, रात हो गई है, ऑपरेटर से भी बात चल रही है कि क्यों नहीं हुआ है, पैसे भी हमने भेज दिए या क्या, देखते हैं वो चालू होती है या क्या। बाकी तो फिर उसके बाद में चूहे को छोड़ने गए थे, इतना बड़ा जो चूहा था, एक पकड़ाया, अभी कितने हैं घर में, एक है, दो है, तीन है, कितने हैं पता नहीं है, बाकी छोटे छोटे भी चूहे बहुत हैं, नुकसान होता है तो बहुत दुख होता है। ठीक है, बाकी का सीन तो आपको बताते रहेंगे। बोल। हाय गाइस, आज देखो, आज हमारे वहाँ एक बब्बू आया। एक बब्बू? हाँ, और ये एक मेरी बुआ का बब्बू। ये मेरी बुआ का बब्बू है, अच्छा। इसका नाम निर्वाणी, बोल। इसका नाम निर्वाणी और निर्वाणी नहीं निर्वाण नाम भी बता देता हूँ। बाय बाय टाटा। और तू ऊपर क्या कर रहा था? एक डिंकी चिंके, एक डिंकी चिंका, ठालींदा चिंका। छोड़ छोड़। प्लीज। बाबू, शातो कर रही हो, शातो कर रही हो? बने तपड़। और ये छोटू अभी कर रहा है मस्ती, मोबाइल चालू है। देखो और मोबाइल गया 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 गया। भाई इसको तोड़ फोड़ की बहुत ही आदत है, सब माल तोड़ना फोड़ना होता है इसको, तो वही काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस फॉर तोड़ फोड़। बाबू आनी सहनी जक्का नहीं से, आए बाबू।
and the bridge that keeps us. So, good morning guys, फिर से एक नए दिन की शुरुआत है। नए दिन की शुरुआत से मैं आपको ये बता दूं कि कैड़ो हाल आज सुठो डाढ़ो सुठो। आज है मंडे का दिन, वैसे क्या ही बताऊं, कल के दिन मुझे व्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया इतना, वो भी बताता हूं क्यों। सैटरडे मैं जब गरबा का बैच पूरा करके घर से आ रहा था तो वहां पे एक एक्सीडेंट हो चुका था, मतलब बंदा बाइक से गिर गया था और इतना नशे में था। एक्चुअली मैं वो इतना रात को मतलब रात को 10:15 के आसपास गिरा था और मैं, और होता है ना कि मेरे को इतनी हैबिट नहीं है कि ब्लॉग बनाऊँ हर जगह पे, और ऐसे मतलब उसको पहले मैं एक्सीडेंट हुआ था उसको बचाऊँ के पहले ब्लॉग बनाऊँ, ठीक है। तो मैंने उसको बचाना सही समझा के बचाया उसको, मतलब उसको ले उठा के एक जगह पे रखा, कॉल किया उसके घर वालों को, एम्बुलेंस को फ़ोन किया हम लोगों ने, मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग थे मेरे साथ में, तो वो सब चीज़ें थी। लेकिन वो उसने इतनी दारू पी हुई थी तो बाइक चला रहा था वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा दारू पी हुई थी तो उसके हिसाब से, और उसके सर से या मतलब पूरे सर से एक दूसरी बाइक चढ़ा दी थी किसी ने, तो मतलब पीछे से ही आ रहा होगा, उसको भी लगा नहीं क्या हो या हो गया होगा। और मतलब एक चीज़ उसने, भले कितनी भी दारू पी हुई थी, उसने हेलमेट पहना था तो उस हिसाब से वो बच गया, नहीं तो जय सियाराम उसका हो ही चुका होता। फिर मैंने उसको काफ़ी गालियां भी दी, क्यों गालियां क्यों दी मैंने, कि उसको समझाया कि तेरे बीवी बच्चे हैं वो घर पे इंतज़ार करते होते हैं और तुम लोग ये दारू पी के ऐसे गाड़ियाँ चलाते हो और एक्सीडेंट, ठीक है उनको उनकी वजह से दूसरों को भी तकलीफ, ठीक है उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है उसकी गाड़ी हुई, उसके पीछे पीछे किसी और की होती या ठीक है मतलब दूसरा कोई उसके ऊपर गाड़ी चला दे तो केस उसके ऊपर भी हो जाए, भले वो दारू पिया हुआ है या क्या। तो काफ़ी है सारी चीज़ें हैं, तो ये हो गया था। फिर मतलब समझो सैटरडे को मेरा वाईफाई की वायर भी बनाने आ गए थे। फिर कल के दिन संडे के दिन ऐसा हुआ कि मेरा भांजा आया हुआ था, तो आपने थोड़ा बहुत देखा ही होगा, तो लेकिन उसमें कैसा मेरा पैर वो वाईफाई की वायर में अटक गया और जैसे मैं पीछे हुआ तो वो वायर निकल आई, तो कल फिर वो लफड़ा हो गया। जीटीपीएल वाले बहुत ही मतलब मेरे से ज़्यादा गुस्सा होंगे कि बार बार परसों ही मंगाया है आज फिर से मंगाया है, तो तकलीफ तो है। बाकी अभी सुबह की बैचेस मैंने कर ली, अभी थोड़ा आराम भी कर लिया है, मैंने थोड़ा सर्दी जैसा लग रहा था तो मैंने आराम कर लिया। अभी बैच फिर से होगा तो फिर से आपको मिलते हैं। तो आपने देखा कि वर्कआउट चालू है, मैंने एक सेट ही दिखाया क्योंकि फोन चार्जिंग में रखा था और बाइसेप पंप हो चुका है काफ़ी बैक का वर्कआउट किया था पहले, फिर बाइसेप पंप किया, अभी एक सेट और दिखाऊंगा, फिर उसके बाद घर जाएंगे, घर जाके स्मूदी पी के नहा के खा के सो जाएंगे, वापस वही काम वही। देखो ये जो मैंने सेट मारा वो था बाइसेप हैमर कल पे भी मैंने, आपने देखोगे कि पहले दूसरी वेरिएशन में है फिर दूसरी स्टाइल में मतलब वेरिएशन में मारा हो तो दो सुपर सेट जैसा मारा है मैंने ये। तो अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, सुबह से भूख भी बहुत लग रही है तो जाते अपने घर पे पैकिंग करूँ, मतलब ऊपर जैकेट पहनूंगा वो, तो फिर निकलते हैं घर। और यहाँ पे जिम में सीए नंदू भाई है जो फुल लहरी आदमी है, नंदू बेड़े दिमाग में कीड़े, मैं इनको बोलता ही रहता हूँ लेकिन कभी बुरा नहीं मानते। क्या हो गया ये
व्लॉग बनेगा आपका, यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब पे, अरे यार ऐसा यूट्यूब पे आएगा, आपके गांव वाले एकदम देखेंगे, बोलेंगे आज हमारे गांव का नंदू फेमस, आपकी बीवी भी देखेगी, हो मेरा शोहर तो आ रहा है, शोहर नहीं पति, मेरा पति, अरे शक्ल क्यों छुपा रहे हो लड़की के जैसे, चलो चलो अब आ चुका हूँ गाड़ी का ऑयल चेंज करवाने, वैसे पहले भी चेंज करवाना लेकिन ये लोगों ने ढक्कन सही नहीं लगाया था, दीदी करो तो उस हिसाब से फिर से आए हैं, और देखो यहाँ से जो नीचे वाला जो होता है ना जिसे कवर अप लगता है उसमें से जो होता है वो बंद उन्होंने नहीं किया था सही से, तो वहाँ से लीक हो रहा था, तो फिर से चेंज करवाने आए हैं, वैसे मैंने टाइट करवा दिया था लेकिन फिर भी देखो बहुत ऑयल कम निकला है, और मैंने एक वीक पहले ही चेंज करवाया है ऑयल, तो इनकी गलती से नुकसान हमको भुगतना पड़ रहा है, तकलीफ है, क्या करें, संसार है, चलना पड़ेगा। और ये आ चुके हैं वाईफाई रिपेयर करने के लिए। नहीं नहीं दीवार पे नहीं चोटेगा, वो वहाँ पे ही लगा दो, वहाँ पे फिर आप वहाँ पे लगा दो, फिर भले है ना, हम लोग वहाँ पे फिर यहाँ पे अलग से वो बनवाएंगे यहाँ पे, तो वो कर देंगे वहाँ पे लगा देंगे खुद ही, यहाँ पे तो निकल आता है। और ये आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट जो है देसी पैनकेक, सो या ये आए हम अभी लैला के लिए शैम्पू लेने, तो कुत्ते यहाँ पे आते हैं नहाने, ये है शैम्पू देखो काफ़ी महंगा आता है, देखो 470 का, हमारा तो 1 रुपये का शैम्पू आता है सिर्फ, एक उसकी कोई सिरप है और एक शैम्पू, लंबे खर्चे होते भाई ये जस्ट ऑफ। तो होप करता हूँ इस ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया, अगर यहाँ तक देख लिया तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत देना, और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ भी शेयर करना, कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और मिलते हैं ऐसे बढ़िया से नए ब्लॉग में।